गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिविक्स चैप्टर नंबर 2, विजन सेट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विजन सेट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लास द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विजन सेट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो किस तरह से फॉर्मेशन किया गया है, उसका मेन स्ट्रक्चरेबिलिटी क्या क्या है, फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या क्या है, वो जगह यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्कस किया जाएगा। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में वी ऑल रीड बुक, हम लोग सब लोग बुक पढ़ाऊँ, ऑल देम स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीफेस, प्रीफेस उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छा से डिस्कसिंग किया गया है। सिमिलरली आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ए डिटेल्ड बुक, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पर्टिकुलरली बुक का जैसा ही है, सेम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बुक एंड द प्रेम्बल इज इट्स प्रेफर्स, प्रेम्बल्स उसमें वहाँ पर ही उसका जगह बताया गया है। द प्रेम्बल्स इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, प्रेम्बल जो है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है स्टेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव की जगह बताया गया है। द प्रेम्बल्स अफेयर्स द डिटर्मिनेशन टू सिक्योर लिबर्टी एंड थ्रू एक्सप्रेशंस बिलीफ फेथ वोट इक्वलिटी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लीड द प्रमोट ऑफ द फीलिंग ऑफ द फ्रेटर्निटी। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, प्रिम्बल, प्रिम्बल मीन्स जो प्रस्तावना जिसको बोला जाता है, प्रस्ताव किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक प्रस्तावना इंडियन कॉन्टेम्पोरारी में बताया गया है, वो किसका बेसिस में, बिलीफ का बेसिस में, इक्वलिटी का बेसिस में, फेथ मीन सच्चाई के बेसिस में, वार्डशिप का बेसिस में, सोशल स्ट्रक्चर का बेसिस में, कास्ट का बेसिस में, अपॉर्चुनिटीज़ का बेसिस में, मीनिंग फ्रेटर्निटी का बेसिस में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक बात लिखा गया है। ये जगह क्लियर हो गया, द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जगह बताया गया है। देखो द प्रिम्बल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया इज ए सोवेरिजियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया जो है सोवेरिजियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सोवेरिजियन मीन्स यहाँ पर सार्वभौम, जिसका मीनिंग है सार्वभौम मीन्स वहाँ पर सब इक्वलिटी है, सब कास्ट कल्चर रिलीजियस पर्सनल पीपल जो है डिफरेंट कैटेगरीज से जो अराइव किया है सब लोग सेम है। सोशलिस्ट मीन्स सामाजिक, जो समाज समाज में इक्वलिटी का साथ, सोसाइटी में इक्वलिटी का साथ रह सकता है। सेक्युलर मीन्स धर्म, सबका एक धर्मनिरपेक्ष, वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलरली एक रिलीजियस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, सारे अलग अलग रिलीजियस कास्ट फ्रेटर्निटी का पीपल को सेम मतलब इक्वलिटी का साथ देखा गया है। एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स जहाँ पर गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट को सिलेक्टेड किया जाता है पॉपुलेशन का बेसिक्स में, पॉपुलेशन का एक ग्रुप इलेक्शन का प्रोसीड्यूर में गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है जो आइडियल है। पहले सोवेरिजियन, देखो सोवेरिजियन मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, जहाँ पर टोटली सार्वभौम जिसको बोला जाता है, एब्सोल्यूट टोटली जहाँ पर इंडिपेंडेंसली वर्क होता है, ए गवर्नमेंट विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर पावर, गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अलग अलग पावर को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इन अदर वर्ड इट मीन्स दैट द पीपल विल इन थियोरी इन सोवेरिजियन, जहाँ पर पीपल अपनी इच्छा से सब काम कर सकता है, सोशलिस्ट सामाजिक काम कर सकता है, सॉरी सोशलिस्ट जो है देखो सामाजिक, जिसका मीनिंग है समाजवाद, सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड है। द वर्ड सोशलिज्म हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिकली एंड सोशली जितना सारा कास्ट क्लास पॉपुलेशन का अलग अलग क्लासेस है ग्रुप से सब लोग का इक्वलिटी है, इसको सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इट सिग्निफाइज द रोल ऑफ द स्टेट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक स्टेट का जो रोल है यहाँ पर वो वहाँ पर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन का जगह बताया गया है, कहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन से वेल्थ का। दिस इज डन इन ऑर्डर टू अटेंड आइडियल्स लाइक द रिमूवल इन इनइक्वलिटीज, यहाँ पर आइडियोलॉजीज का जगह बताया गया है, सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है उसका अगेनेस्ट जहाँ पर किया गया है, सोसाइटी जो है वो एक इक्वल सोसाइटी है। प्रोविजन से मिनिमम बेसिक्स ऑफ नेसेसिटी ऑफ इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, सोसाइटी में जितना सारा वर्क है इक्वलिटी रहेगा हर काम में और इक्वली पे किया जाएगा। सेक्युलर, सेक्युलर क्या है,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ए सेकुलर स्टेट इज नाइदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस. जहाँ पर रिलीजियस जो है उसको भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, जो नॉन रिलीजियस है वो भी प्रायोरिटी उसको भी नहीं दिया जाएगा. मतलब सारे रिलीजियस कास्ट को इक्वलिटी के साथ यहाँ पर देखा जाएगा, फाउंड किया जाएगा, जिसको एंटी रिलीजियस भी बोला जाता है. रेदर इट इज़ क्वाइट नेचुरल इन मैटर्स फॉर रिलीजियस. इंडिया में किसी भी जगह से अलग अलग रिलीजियस का पीपल सेम इक्वलिटी का साथ, फ्रेटर्निटी का साथ यहाँ पर रह सकता है. इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट दैट नाइदर एनकरेज नॉर डिस्करेज एनी रिलीजियस. यहाँ पर किसी भी रिलीजियस को एनकरेज भी नहीं किया जाता है और डिस्करेज भी नहीं किया जाता है, राइट. दिस हैज़ टू इम्प्लीकेशंस. फर्स्टली देखो, एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजियस ही सी बिलोंग टू द सेकेंडरी स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बाई द इंडिविजुअल. किसी भी जगह से एक अलग रिलीजियस पीपल अलग स्टेट में जाके वहाँ पर फ्री फ्रेटर्निटी के साथ इक्विलिटी के साथ रह सकता है, राइट. द फॉरमोस्ट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म टू सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट पावर. स्टेट का जो मेन एस्पेक्ट क्या है, एक एक स्टेट में अलग अलग रिलीजियस का कल्चर यहाँ पर अराइव कर सकता है, बट किसी भी रिलीजियस को इग्नोर नहीं किया जाएगा. दिस सेपरेशन मेक इट ईजी फॉर ए कंट्री टू वर्क द डेमोक्रेटिक लाइन्स कम्प्लीटली. दस जहाँ पर कंट्रीज में जितना सारा अलग अलग कास्ट का पीपल रिलीजियस पीपल रह सकता है, लेकिन उसको सब लोग डेमोक्रेटिक बेसिक्स में गवर्नमेंट को इलेक्टेड सिलेक्शन कर सकता है. द इंडियन स्टेट शुड नॉट प्रोमोट एनी. देखो, द इंडियन स्टेट शुड नॉट प्रोमोट एनी सिंगल रिलीजियस एंड ट्रीटी रिलीजियस इक्वलिटी. इंडियन जो स्टेट है वहाँ पर किसी भी एक रिलीजियस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, किसी भी सिंगल रिलीजियस पीपल को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं दिया गया है. द इंडियन स्टेट शुड फॉलो ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस सेंटिमेंट्स विदाउट इन्फेरेटिंग विथ एनी ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस. इंडिया जो स्टेट है वहाँ पर शुड फॉलो ए पॉलिसी ऑफ नॉन रिलीजियस एंड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस सेंटिमेंट्स. यहाँ पर पर्टिकुलरली एक ऐसा पॉलिसी है जहाँ पर जो नॉन रिलीजियस कास्ट से रहेगा पीपल रहेगा उसको उसका ऊपर भी कुछ प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, और जो रिलीजियस पीपल है उसको भी उसका ऊपर भी कुछ प्रेशराइज नहीं किया जाएगा. सब लोग इक्विलिटी का साथ, सोसाइटी स्ट्रक्चर का साथ यहाँ पर अराइव कर सकता है. देन द डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक क्या है, बहुत बार बताया हूँ. डेमोक्रेसी इज जनरली रेफर्ड टू एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. जस्ट पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने का जो प्रोसीड्यूर है, गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट करने का जो प्रोसीड्यूर है, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज जनरली रेफर्ड टू एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. पीपल का लिए ही, पीपल का हेल्प करने का लिए जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, किसका थ्रू, इलेक्शन का थ्रू, पॉपुलेशन का बेसिक्स में, पॉपुलेशन का टीम, पॉपुलेशन का ग्रुप का बेसिक्स में ये गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है. Effectively, this means that the government is elected by the people and it is responsible and accountable to the people. People जो है government का लिए responsible है और ideal है. The people in India elect their government. The people in India elect their government at local, state and union levels by a system of universal adult franchise. Universal adult franchise, that is very important term. What is universal adult franchise? ये एक ऐसा system है जहाँ पर किसी भी caste का, किसी भी culture का people हो सकता है, वो उसका above 18 years age में वो India का people, India का किसी भी state का people हो सकता है. उसका economic condition low रहेगा या higher रिच रहेगा उससे कुछ एस्पेक्ट नहीं है इसका, वो वोट देने का अधिकार उसको मिलेगा, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस में बताया गया है. देन द रिपब्लिक. रिपब्लिक क्या है, व्हाट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर
The power is exercised by the representatives elected directly, indirectly the citizens of a country. जहाँ पर इंडियन सिटीजन का बेसिक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पावर को रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है, इलेक्शन किया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली जो सिस्टम से इसका, इसको रिपब्लिक बोला जाता है। इसका थ्रू होता है इंडियन सिटीजन का बेसिक्स में। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग टाइमिंग में प्रेसिडेंट जो है उसको इनडायरेक्टली पॉपुलेशन का थ्रू इलेक्शन किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। आइडियल ट्रांसफॉर्म इन टू लॉ, लॉ का आइडियल ट्रांसफॉर्म क्या है? एज स्टेट इन द, देखो एज स्टेट इन द प्रीएम्बल द आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री इंक्लूड जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? एक ऐसा लॉ है जहाँ पर प्रिम्बली द आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री एंड कंट्री का जो आइडियलिटी है उसमें इंक्लूड जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्विलिटी है एंड फेडरनिटी है। इट वाज एसेंशियल टू मेक द राइट्स, ये एक राइट्स का लिए, अधिकार का लिए बहुत ही एसेंशियल मैटर है। एंड फ्रीडम मोर रियलिस्टिक, जो फ्रीडम है बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। अनएम्बलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द गिवन शेप टू देयर आइडियल्स एंड टू इम्प्लीमेंटेड द यूनिवर्सली, यूनिवर्सली इंडिया में जो सिस्टम्स है वहाँ पर इस सिस्टम्स को, आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस किया गया है। देन द फंडामेंटल राइट्स, एवरी ह्यूमन बींग इज एंटिटल टू एन्जॉय द सर्टेन राइट्स व्हिच इज एंश्योर द गुड एंड हेल्थ लिविंग। अच्छा रहने का लिए, अच्छा था मतलब फ्यूचर का लिए एवरी ह्यूमन को एक राइट्स मिला है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, जिसको मौलिक अधिकार बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर्स ऑल द सिटीजन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको, सब सिटीजन को ऑफर्स किया है सम बेसिक राइट, कुछ बेसिक राइट्स। दिस राइट्स आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स, जिस राइट्स को क्या जाना, क्या बोला जाता है इंडिया में, फंडामेंटल राइट्स बोला, जिसमें क्या क्या है देखो। फंडामेंटल राइट्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स। दिस राइट्स आर जस्टली आर जस्टिकेबल विच मीन्स दैट इफ समवन इज डिनाइड दिस राइट्स, कुछ कुछ देखो पर्टिकुलरली इस राइट्स में क्या है, इंडिया का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन से इस राइट्स को सिलेक्टेड किया है, ही और सी कैन टू गो द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में से इस राइट्स का मेकिंग किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इस राइट्स का जगह बताया गया है, जो सेंट्रल लेवल का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल लेवल का मेन कोर्ट है। द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी के साथ इंक्लूड किया गया है। द राइट्स टू इक्वलिटी, देखो राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का जगह जहाँ पर बताया गया है। द राइट टू इक्वलिटी गारंटीज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ। इट ऑल सेंस योर, देखो पर्टिकुलरली राइट्स टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का राइट्स है वहाँ पर, वो सब सर हर टाइम इंडिया में इक्वल है, जैसे कि वो रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स बर्थ इसका कुछ डिफरेंसेस इसमें नहीं है। इट ऑल सेंस योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ विच मीन्स दैट ऑल द पीपल्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, ऑल जो लॉ का बेसिक्स है उसमें ऑल पीपल जो है वो उसका इक्वलिटी यहाँ पर देखा गया है। इट डज नॉट ग्रैंड एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनी इंडिविजुअल, इसमें कुछ पर्टिकुलरली कास्ट को क्लासेस को स्पेशलिटी नहीं दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का जो राइट है वो क्या है? द सिटीजन्स एन्जॉय सेवरल फ्रीडम, द सिटीजन एन्जॉय सेवरल फ्रीडम अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का जो राइट्स है उसमें इंडिया का ऑल सिटीजन फ्रीडमली रह सकता है। लेट्स नो अबाउट देम इन ब्रीफ, इसको नीचे अच्छा से बताया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सब लोग अच्छा से स्पीच किसी भी बात में बात को मतलब एक्सप्लेन कर सकता है एक्सप्रेशन का साथ साथ। एवरी सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस हर हिज थॉट एंड आइडियाज थ्रू द स्पीचेस राइटिंग एंड न्यूज़पेपर में वो लोग लिख सकता है। ही सी फ्री द क्राइटिस
फॉर द स्पीक अगेंस्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अगेंस्ट वो लोग सब लोग का बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ असेंबल। असेंबल ऑफ फ्रीडम में क्या बताया गया, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर व्यू एंड एक्सचेंज आइडिया, जहाँ पर वो लोग जो आइडिया है आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट उसको चेंज कर सकता है। सिटीजन्स कैन असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स एनी प्लेसेस, किसी भी जगह में सिटीजन जो है इंडिया का वो लोग असेंबली का थ्रू उसका एक्सप्रेस से मतलब एक्सप्रेशन कर सकता है मेंटलिटी का। फ्रीडम ऑफ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ यूनियन, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव टू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस।